इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी और कहानियां इंटरनेट रिसर्च पर आधारित हैं। इन कहानियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमारा उद्देश्य मनोरंजन करना है, किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। टेड बंडी का नाम सुनते ही अमेरिका के सबसे खतरनाक और निर्दयी सीरियल किलर की छवि उभरती है। एक ऐसा इंसान जो दिखने में आकर्षक था, मगर उसके भीतर का राक्षस 30 से अधिक मासूम महिलाओं को अपनी दरिंदगी का शिकार बना चुका था। लेकिन क्या उसकी कहानी सिर्फ हत्याओं तक सीमित है? नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जिसमें प्रेम, छल और हैवानियत का मिश्रण है। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को वर्मोंट के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उसकी परवरिश में कई मुश्किलें थीं। उसकी मां अविवाहित थीं और समाज के डर से उसे टेड की बहन बनाकर पेश किया गया। इस झूठ ने बंडी के मन में गहरी कड़वाहट भर दी। बचपन में ही उसमें अजीब सी आदतें दिखने लगी। वह पड़ोसियों के पालतू जानवरों को चोट पहुंचाता और अपने साथियों से दूरी बनाकर रखता था। टेड बंडी दिखने में स्मार्ट और आकर्षक था। उसने एक खूबसूरत लड़की से प्यार किया, लेकिन जब लड़की ने उसे धोखा दिया तो उसके भीतर का दर्द क्रोध में बदल गया। वह बदले की आग में जलने लगा और उन महिलाओं से नफरत करने लगा जो उसे उसकी असफल प्रेम कहानी की याद दिलाती थी। उसकी हत्याओं का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। 1974 में टेड बंडी ने अपनी पहली हत्या की। वह ज्यादातर युवा सुंदर महिलाओं को निशाना बनाता था। एक नकली प्लास्टर या बैसाखी का इस्तेमाल कर वह महिलाओं से मदद मांगता और फिर उन्हें अगवा कर लेता। उसके अत्याचार यहीं खत्म नहीं होते। वह पीड़िताओं के शवों के साथ दुर्व्यवहार करता और कई बार उनके कटे सिर अपने घर में सजाकर रखता था। 1975 में बंडी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी चतुराई ने पुलिस को मात दे दी। वह जेल की लाइब्रेरी की खिड़की से भाग निकला। कुछ महीने बाद उसे दोबारा पकड़ा गया, लेकिन इस बार भी उसने पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाबी पाई। लेकिन इस बार भी 1978 में टेड बंडी फ्लोरिडा पहुंचा, जहां उसने एक छात्रावास में कई लड़कियों की बेरहमी से हत्या की। यह उसका सबसे बड़ा और नृशंस हमला था जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। इस बार पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि वह बच नहीं पाया। बंडी ने अदालत में अपनी वकालत खुद की, लेकिन उसकी चतुराई काम नहीं आई। उसे दोषी करार दिया गया और 1989 में इलेक्ट्रिक चेयर में उसे मौत की सजा दी गई। उसकी मौत के साथ एक खूनी अध्याय खत्म हुआ, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों को झकझोरती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बंडी का व्यवहार मनोरोगी प्रवृत्ति का था। वह सहानुभूति नहीं महसूस कर सकता था और केवल अपने विकृत आनंद के लिए हत्याएं करता था। उसकी कहानी ने समाज में एक गहरी छाप छोड़ी और महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए। टेड बंडी की कहानी केवल एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, यह इस बात की भी चेतावनी है कि कैसे समाज के भीतर छिपे शैतान पहचान से परे हो सकते हैं। उसकी दरिंदगी और चतुराई ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी और आज भी उसकी कहानी हमें डराती है। अगर आपको ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक दास्तान के साथ।